नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। आतंकवादियों के द्वारा पुलवामा में विस्फोट किया गया था, जिसमें हमारे देश के कई सैनिक शहीद हो गए थे। यह वारदात 14 फरवरी को की गई थी, जिसके विरोध में एकत्र युवाओं ने शहर में कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान युवाओं ने कहा कि वैलेंटाइन डे न मनाकर हम लोगों को पुलवामा युवा दिवस मनाना चाहिए और प्रशासन से भी यही मांग है। आइए आपको सुनाते कैंडल मार्च निकालने वाले युवाओं ने क्या कहा। आप लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, बताइए। आज का दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण का दिन है। आज 14 फरवरी 2019 को हमारे देश के मातृभूमि की शहादत में प्राणों की बहुत चढ़ा दिए थे पुलवामा में। तो आज हम सब लोग युवा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन है, तो उसे 14 फरवरी वैलेंटाइन डे दिन ना मना के पुलवामा युवा दिवस मनाया जाए, ब्लैक डे मनाया जाए। इसीलिए हम सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए अर्पित हो ये सवाल चाह। वो कहते हैं दुश्मन की औकात नहीं, अपनों की गद्दारी है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई पीछे से हमला करते तो ये हम सबके लिए दुखद है। हमारे मातृभूमि की रक्षा करते करते हमारे देश के ये नौजवान अपने प्राणों की आहुति दे दिए हैं, इसी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भावी इकट्ठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार पांडे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।